हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल करके आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शो कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन स्लाइड को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं। तो आपको यहाँ से जाना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाना है। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन, तो एडवांस सेटिंग्स पे जाकर फ्लैश नोटिफिकेशन ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप इस तरीके से ऑन करते ही नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। सिंपली बस आपको इसको इनेबल कर देना है और जो भी नोटिफिकेशन लाइट इनेबल हो जाएगी, जो आपकी कॉलिंग्स या नोटिफिकेशन में शो करती है, कुछ इस तरीके से प्रीव्यू को शो कर सकते हैं और लाइटिंग और नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर शो होंगे। एंड आप इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी कॉलिंग्स पर नोटिफिकेशन लाइट शो नहीं करेगी, और इनेबल करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से लाइटिंग और नोटिफिकेशन में लाइटिंग शो करेगी। एंड आप स्क्रीन फ्लैश को भी इनेबल कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन फ्लैश को जिस तरीके से शो करता है आपके स्क्रीन पे, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं अपने अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।